Assalamu alaikum students. In this video, I am going to show you the procedure to draw BA thread. BA thread ka pura naam hai British Association thread. Before I will show you the procedure to draw BA thread, let me again remind you about the things which are going to take into consideration. First is the height of this thread, which is always equal to 1.136 times P. For example, again I am taking pitch as 40 mm, then my height comes out to be 45.44 mm. Second is the thread angle. The thread angle in case of BA thread, it is always equal to 47.5 degree. Hum 4H pencil ki help se ek horizontal line draw karenge. ऐसे इसके बाद इस थ्रेड की हाइट और आई कैन से डेप्थ जो मुझे ऑलरेडी पता है जो मैंने यहां से कैलकुलेट की 45.44 mm, यहां से मैं एक वर्टिकल लाइन 45.44 mm डालूंगा. इस वाले पॉइंट से भी मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास करूंगा. इसके बाद यहां से मैं पिच डिस्टेंसेस मार्क करूंगा. मेरा पिच है 40 mm. यहां से मैं देखूंगा 40 mm का पॉइंट कहां पे आता है, और जहां पे आता है वहां पे एक हल्का सा पॉइंट मार्क करूंगा. यहां से भी देखूंगा 40 mm का पॉइंट कहां पे आता है, वहां पे एक हल्का सा पॉइंट मार्क किया, और यहां से भी देखूंगा 40 mm का पॉइंट कहां पे आता है, वहां पे एक हल्का सा पॉइंट मार्क किया. जहां जहां पे मैंने एक पिच डिस्टेंसेस मार्क की, वहां से मैं वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करूंगा. ऐसे यहां पे भी और यहां पे भी. इसके बाद इस वाली और इस वाली लाइन के बीच में मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ करूंगा. इस वाली और इस वाली लाइन के बीच में भी एक सेंटर लाइन ड्रॉ करूंगा, और इस वाली लाइन के बीच में भी एक सेंटर लाइन ड्रॉ करूंगा. यहां तक ठीक है. इसके बाद ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ज्वाइन करूंगा. ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी ज्वाइन करूंगा. ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी ज्वाइन करूंगा. ऐसे ही बाकी के पॉइंट्स ज्वाइन करूंगा. ऐसे अगर मेरा ये अरेंजमेंट सारा एक्यूरेट होगा, जितने भी मैंने डाइमेंशंस लिए वो सारी एक्यूरेट होंगी, ये एंगल ऑटोमेटिकली आता है 47.5 डिग्री. इसके बाद यहां से मैं इस वाले पॉइंट से मैं कुछ डिस्टेंस नीचे उतरूंगा, और वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, और इस वाले पॉइंट से भी कुछ डिस्टेंस ऊपर चढ़ूंगा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा. वो डिस्टेंस होनी चाहिए h/4, वायर h इज द हाइट ऑफ दिस थ्रेड. हाइट ऑफ थ्रेड हमारे पास है 45.44. अगर हम 45.44 को डिवाइड बाय 4 करते हैं, इट कम्स आउट टू बी 11.36 mm. यहां से मैं अब 11.36 mm नीचे उतरूंगा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा. यहां से भी 11.36 mm ऊपर चढ़ूंगा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा. यहां तक ठीक है. इसके बाद अब मैं एच पेंसिल यूज करूंगा. हमें याद रखना है बीए थ्रेड का जो क्रस्ट एंड रूट होता है वो हमेशा राउंडेड होता है. हमें यहां पे आर्क्स ड्रॉ करनी है. मैं आप लोगों को यहां पे दिखाता हूं अलग से आर्क हमें कैसे ड्रॉ करनी है. फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे मैंने ये वाला पार्ट लिया,
ये कुछ ऐसे है, यहाँ पे सेंटर लाइन है। हमें कंपास का रेडियस ये लेना है यहां से लेके यहां तक, दैट इज 11.36 mm। यहां से हमें देखना है 11.36 mm कहां पे आता है, कंपास यहां पे रखना है और देखना है 11.36 mm कहां पे आएगा, और जहां पे 11.36 mm आएगा वहां पे कंपास का सेंटर पॉइंट रखना है, रेडियस 11.36, और ऐसे एक आर्क ड्रॉ करनी है। उसी तरह से यहां पे मैं एक आर्क ड्रॉ करूंगा, यहां पे भी मैं ऐसे आर्क्स ड्रॉ करूंगा और यहां पे भी, इसी तरह से इसके रूट पे भी ऐसे, यहां तक ठीक है। इसके बाद इन दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में जितना भी सरफेस है हम इसको एच पेंसिल से डार करेंगे ऐसे, ये वाली लाइन भी इसके बाद हम इस थ्रेड की कंटिन्यूस लाइंस बनाएंगे ये हमारा है BA थ्रेड दैट इज ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड बट अभी ये इनकम्प्लीट है अभी हमें इसमें हैचिंग भी करनी है और हमें इसके डायमेंशंस भी दिखाने हैं सबसे पहले हम इसकी हैचिंग करेंगे जो हम रोलिंग स्केल से करते हैं या हम ड्राफ्टर से भी कर सकते हैं। दीज लाइंस आर ड्रॉन एट एन एंगल ऑफ 45 degrees। ये लाइंस आपस में इक्विडिस्टेंट भी होनी चाहिए। इसके बाद अब हमें इस थ्रेड के डायमेंशंस दिखानी है। इस वाले पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वी कॉल इट एज पिच डिस्टेंस। पिच हमारा 40 mm है, दैट इज ये डिस्टेंस 40 mm है। mm लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ड्राइंग में हम जितने भी डायमेंशंस मेजर करते हैं दैट आर मेजर्ड इन mm। इसके बाद इस थ्रेड की हाइट, हमें ये चीज याद रखना है हाइट यहां से लेके यहां तक नहीं है, हाइट यहां से लेके यहां तक है। हाइट इसकी 1.136 p, दैट इज 45.44 mm। अगेन mm लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये वाली डिस्टेंस h/4, दैट इज 11.36 mm। यहां से लेके यहां तक ये भी h/4, दैट इज 11.36। इसके बाद इस थ्रेड का थ्रेड एंगल जो 47.5 degrees है, दिस वॉज आवर BA थ्रेड। विद दिस आवर फर्स्ट यूनिट थ्रेड्स इज कंप्लीट। दिस वॉज ऑल अबाउट थ्रेड्स।